উপসাগরীয় অঞ্চল এখন দিল্লির উপর চটে আছে। ভারতীয় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত এবং বহিষ্কারের একটা দাবিও উঠেছে ওই সমস্ত দেশগুলোতে। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं जो रीसेंट सिचुएशन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्टिंग रिमार्क्स के बाद, जिस तरह इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से इसका बायकॉट किया गया और बांग्लादेश में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए। साथ ही जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो जितने भी लेबर थी, इंडिया की लेबर जो वहाँ पे ठीक है फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, जितने भी ठीक है काम कर रहे थे हिंदुस्तानी, लाइक स्पेशली जो हिंदू हैं, उन सबको निकाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि हम वापस भेज रहे हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो गौरव आर्या है, गोबर आर्या ठीक है, उनके रिमार्क्स ये थे कि अगर वो हिंदुस्तानियों को भेजना चाहते हैं अपनी कंट्री से तो भेज दें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो उन अरब मालिक को पड़ेगा जिनके पास लेबर की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसी चीज़ का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो जितने भी हिंदुस्तानी इधर काम कर रहे हैं, जो स्पेशली हिंदू हैं, वो वापस जाएँ और अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो ये बेसिकली रिप्लाई दिया गया है। और अब दूसरी तरफ जहाँ पे एक तरफ ये लेबर का गैप क्रिएट हो रहा है, उस गैप को फिल अब कौन करेगा? सो उस गैप को फिल करने के लिए जी, आप जो बांग्लादेश की लेबर है उसकी तरफ देखा जा रहा है। और अब बांग्लादेश की लेबर जो है सारे हिंदुस्तान की लेबर की जगह लेने वाली है। एक दफ़ा फिर बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया है और हिंदुस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, गलत पॉलिसीज़ हैं, उनके नतीजे में ये सब चीज़ें हो रही हैं और जिसका फ़ायदा बराए रास्त बांग्लादेश उठाने वाला है। तो इस चीज़ को ले कर जी बात की जा रही है। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है ठीक है बायकॉट्स फेस कर रहा है, पूरी दुनिया की जानिब से बायकॉट किया जा रहा है इंडिया के प्रोडक्ट्स का, जो इनके इंडिया के लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, उनके वीज़ास कैंसिल किए जा रहे हैं। साथ ही जो बांग्लादेश है इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है और तैयार है। तो जी, अब भी मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करूंगी। ये काफ़ी अच्छी मज़े की रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग किस्म की। आप लोगों ने रिपोर्ट बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। उपसागरीय अंचल এখন দিল্লির উপর চটে আছে। ভারতীয় শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত এবং বহিষ্কারের একটা দাবিও উঠেছে ওই সমস্ত দেশগুলোতে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ক কি হুমকিতেই পড়ে গেল? আসসালামু আলাইকুম, বিটিউবের আজকের বিশেষ পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার জেরে আরব দেশগুলোতে চলছে ভারত বিরোধী আন্দোলন ও ভারতীয় পণ্য বয়কট। এই আন্দোলন ও বয়কটের ফলে এবার পথে বসতে যাচ্ছে ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের বাজার হারাতে যাচ্ছে ভারত এবং সেই বাজার দখল করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ভারতীয় মিডিয়ায় এ নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোচনা সমালোচনা, কিভাবে ভারত মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল বাজার হারাতে যাচ্ছে এবং সেই বাজার দখল করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সেটাই জানাবো বিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ইয়েমেনের শেখ আলী হাসান আল জামান টুইটারে লিখেছেন, আমি ভারতীয় সব শ্রমিকদের পাওনা মিটিয়ে তাদের ভারত পাঠিয়ে দিচ্ছি। এছাড়াও কাতার, ওমান ও সৌদি আরবের অনেক মালিকরা টুইটারে লিখছে, তারা ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয় পণ্যগুলোকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। ভারত সরকার গত 10-12 বছর ধরে লাগাতার কূটনৈতিকভাবে পরিশ্রম করে আরব দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এর আগে ভারতের সাথে আরবীয় দেশগুলোর তেমন কোনো ভালো সম্পর্ক ছিল না, তখন আরবীয় দেশগুলোর সাথে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ছিল। এবার ভারতের সেই সম্পর্কে ভাটা পড়তে যাচ্ছে। বিজেপি নেতা নুপুর শর্মা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার জেরে এখন পুরো আরব বিশ্ব ভারতের উপর খেপে গিয়েছে। আরব দেশগুলো থেকে আসছে একের পর এক কড়া বার্তা, কিন্তু এরপরেও বিজেপি নেতা নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে ভারতীয় সরকার এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি। আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভারত প্রতি বছর রেমিটেন্স থেকে প্রায় $90 বিলিয়ন আয় করে থাকে, যার বেশিরভাগ অংশই আসে মধ্যপ্রাচ্যের এই মুসলিম দেশগুলো থেকে।
महानबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कटूक्तर जेरे एन मध्यप्राच्यर मुस्लिम देशगुलोते चलछे भारतीय श्रमिक और भारतीय पण्यर बयकट आंदोलन। मध्यप्राच्यर बेशिरभाग व्यवसायी चेष्टा करछे निजेर जायगा थेके भारतीय पण्य बयकट करार। केउ केउ टुइटारे लिखे जानिएछे भारतेर साथे व्यावसायिक सम्पर्क छिन्न करेछि, इनशाल्लाह भारत थेके कोनो पण्य सामग्री आमदानी करब ना। एखाने एकटि विषय लक्षणीय, मध्यप्राच्यर मुस्लिम देशगुलोर सरकार किन्तु भारतीय पण्य बयकटेर कोनो घोषणा प्रदान करेनि, बरं সেই দেশের সর্বস্তরের জনগণ ভারতীয় পণ্য ও ভারতীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে বের করে দিচ্ছে। এখানে সেই দেশের সরকার চাইলেও কিছুই করতে পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের এই নাজেহাল অবস্থার ফলে সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে, এমন তো নয় মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশগুলোর শ্রমিকের প্রয়োজন নেই, তাই তারা ভারতীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে বের করে দিচ্ছে, বরং তাদের শ্রমিক এখন আগে থেকে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে। ভারতীয় শ্রমিকদের জায়গা এখন দখল করে নিতে পারে বাংলাদেশী শ্রমিকরা। এতে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, সেই সাথে রেমিটেন্স প্রবাহ অনেক বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় পণ্যের বয়কট চলছে, এই সুযোগ নিতে পারে বাংলাদেশী প্যাকেটজাত পণ্যের কোম্পানিগুলো। এই সুযোগে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে পারে বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো। এর মাঝেই বাহরাইন ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভিসা দেওয়ার। সেই সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এমন অনেক শ্রমিক আছে যারা অবৈধভাবে গিয়ে কাজের সংকটে ভুগছে, তারাও এখন ভারতীয় শ্রমিকদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা, সেই সাথে দাবি জানাচ্ছি নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। অনুরোধ করছি ভিডিওটি অনেক বেশি করে শেয়ার করার জন্য, সেই সাথে প্রিয় জনভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথচলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, क्या बात की जा रही है, जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है, ठीक है, तो काफी अच्छा जवाब था। और बेसिकली उनका कहना था कि हिंदुस्तान के साथ हमारे कभी भी रिलेशंस नहीं थे, पाकिस्तान के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशंस थे, जिसके बाद जो है इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो डिवेलप हुए। सो इस चीज को लेते हुए उन्होंने बायकॉट का कहा है, और बायकॉट में काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडिया की बायकॉट की जाएंगी, तो दूसरी किसी कंट्री से जब चीजें मंगवाई जाएगी, तो इस सिचुएशन में बांग्लादेश इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकता है। बहुत सारी फूड आइटम्स हो सकती हैं जो कि बांग्लादेश अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर सकता है इन लोगों को, और साथ ही यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, जो लेबर का गैप क्रिएट हो रहा है, वो बांग्लादेशी जब उसको फील करेंगे, बांग्लादेशी जब वहां पे जाके काम करेंगे, बांग्लादेशी को जब ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, सही से बात है। बहुत से लोग होते हैं जो कि ऑल टाइम रेडी होते हैं अदर कंट्रीज में जाके काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो सैलरीज होती हैं वो थोड़ी बेहतर होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठीक है कम्फर्ट होता है और कम्फर्ट जोन में रहते हैं वो, ठीक है। तो इस चीज को लेते हुए काफी लोग जो होते हैं वो रेडी होते हैं जाने के लिए कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। तो बांग्लादेश के जब लोग लेबर एज ए लेबर इन कंट्रीज में जाके काम करेंगे, तो बांग्लादेश की रेमिटेंसेस इंक्रीज होंगी। सो जाहिर सी बात है काफी सारी चीजें हैं जो कि बेटर होंगी, और डायरेक्टली जो है ना बांग्लादेश को इसका फायदा होने वाला है। तो इस चीज को लेके बात की जा रही थी, और बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश एक बार फिर जो है इंडिया को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। इंडिया की नेगेटिव हरकतों की वजह से जो है बांग्लादेश को फायदा हो रहा है, सो दैट इज गुड। और आई एम श्योर कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान से भी लेबर्स जो हैं काफी इन कंट्रीज में जाके अपने लिए काम इसी तलाश कर सकते हैं। साथ ही एक काफी अच्छा रिप्लाई इंडिया को दिया गया, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर इनको भेजना है तो भेज दें, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जब वो वापस आएंगे फिर देखेंगे गोबर आर्या जो है उनकी कैसे ठीक है वेलकम करता है उनको, कितनी एम्प्लॉयमेंट उनको फ्राहम की जाती है इन सब लेबर्स को जो वहां से ठीक है जॉब्स जिनको निकाला जाएगा। वेल आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने लास्ट में शेयर करना है कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करना, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक करना है। साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि बांग्लादेश ने एक बार फिर इंडिया से बाजी जीत ली है। सो दैट इज अ वेरी बिग न्यूज, तो देखो इनके शेयर करना वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके और को क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।